क्या आपको पता है जिस शॉप की विंडो ड्रेसिंग जितना अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव होती है वहां पर कस्टमर के भीड़ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली जहां पर विंडो ड्रेसिंग नहीं होती है। अब आपके मन में चल रहा होगा विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से एक शॉपकीपर अपनी शॉप की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप के फ्रंट पैनल पे शोकेस करते हुए एक पुल फैक्टर क्रिएट करता है ताकि कस्टमर्स नियर बाय शॉप में ना जाके उनके शॉप पे विजिट करें। एंड दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग। सेम ऐसे ही आज के टॉपिक जो कि विंडो ड्रेसिंग की स्ट्रैटेजी के साथ मैच करता है एंड दैट इज साइट लिंक एक्सटेंशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक की सीरीज आप तक पहले पहुंचे। Hey everyone, you are now with Suresh Membari from Dizmaya, your digital admirer. Sitelink extension एक call to action button है जिसके माध्यम से आप अपनी ad campaign की कुछ highlight और separate landing page को SERP में show कर सकते हैं ताकि visitors easily वो particular internal landing page में visit कर सके without entering main landing page और home page. मैं भी आप PPC campaign की बहुत सारे strategies और hack के बारे में पता किए होंगे and मैंने भी अपने last video में discuss किया हुआ है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर द थिंग इज जब हम पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में कीवर्ड स्ट्रेटेजी, बजट स्ट्रेटेजी एंड एड कॉपी स्ट्रेटेजी आ जाता है। बट हम साइटलिंक एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में भूल जाते हैं जो कि एक एड कैंपेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप साइटलिंक एक्सटेंशन को अपनी एड कैंपेन में यूज करते हैं देन आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि ड्राइव अटेंशन, इंक्रीज सीटीआर, रिड्यूसिंग सीपीसी एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर एड क्वालिटी स्कोर। अब चलते हैं पता करते हैं कि साइटलिंक एक्सटेंशन को गूगल एड्स पे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं और कैसा कंटेंट हम साइटलिंक एक्सटेंशन के टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं ताकि विजिटर्स साइटलिंक एक्सटेंशन पे एक्शन लेने की जो प्रोसेस वो और इजी हो जाए एंड जेन्युइन क्लिक्स और जनरेट हो। एज वी ऑल नो हमें गूगल एड्स की डैशबोर्ड में एंटर करना होगा ताकि हम साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर पाए बीपीएससी कैंपेन के लिए। सो दिस इज द कैंपेन डैशबोर्ड। आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है देन आपको ब्लू एडिशन बटन दिखेगा देन क्लिक ऑन दैट देन क्लिक ऑन साइटलिंक एक्सटेंशन। साइटलिंक एक्सटेंशन को आप अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे एंड एड ग्रुप लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है जो आप करेंट साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हैं इन फ्यूचर कैंपेन में या एग्जिस्टिंग कैंपेन में आप उसको ऐड करेंगे देन आपको अकाउंट लेवल पे साइटलिंक एक्सटेंशन को क्रिएट करना सही रहेगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि साइटलिंक एक्सटेंशन कैंपेन के साथ रिलेवेंट होना सही रहता है ताकि आपके कैंपेन की क्वालिटी स्कोर बेटर हो। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे क्रिएट न्यू यूज एग्जिस्टिंग। बेसिकली हम क्रिएट न्यू पे ही क्लिक करेंगे बिकॉज हमें न्यू साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट करना है। यूज एग्जिस्टिंग साइटलिंक एक्सटेंशन इज बेसिकली अगर आपने अकाउंट लेवल पे साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट किया हुआ है सो बेसिकली यूनिवर्सली यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा वो सारे। तो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। सपोज आप एक एड कैंपेन बना रहे हैं एंड दैट इज फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो एक कैची साइटलिंक एक्सटेंशन हमें क्रिएट करना है जैसा कि डाउनलोड ब्रोशर। डाउनलोड ब्रोशर क्यों? बिकॉज अगर कोई पर्सन इज लुकिंग फॉर ओइंग अ फ्लैट देन डेफिनेटली ब्रोशर डाउनलोड करेगा। इन रिटर्न आपको लीड्स मिलेंगे। मैंने यहाँ ऑलरेडी कंटेंट रखा हुआ है कैची हेडलाइन के साथ हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जैसे कि चेकआउट और मास्टर प्लान इन 3D, चेकआउट फ्लोर डिजाइन प्लान इन 2D, देन द फाइनल URL। जो हम अभी साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हैं उसका आप प्रीव्यू राइट साइड में देख सकते हैं जैसे कि डाउनलोड ब्रोशर। दिस इज द मोबाइल प्रीव्यू, दिस इज द डेस्कटॉप प्रीव्यू एंड दिस इज द डिस्प्ले एड प्रीव्यू। डिस्प्ले एड प्रीव्यू बेसिकली जो लोग सर्च कैंपेन को डिस्प्ले नेटवर्क पे भी शोकेस करना चाहते हैं। और एक साइटलिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि लोकेशन एडवांटेज।
जब कोई पर्सन अपना खुद का फ्लैट लेने की कोशिश करता है, तब वो ध्यान में रखता है कि आसपास में मॉल हो, हॉस्पिटल हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, लोकल मार्केट हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है वो शालीमार रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, लगभग 500 मीटर्स। शालीमार रेलवे स्टेशन कोलकाता में न्यू रेलवे स्टेशन है। जैसे कि मैंने कहा कि लोकल मार्केट, मल्टीप्लेक्स को भी डिस्क्राइब करना है, एंड देन द फाइनल यूआरएल। हमेशा ध्यान दें, हर एक अलग साइडलिंग एक्सटेंशन के लिए आपको अलग अलग लैंडिंग पेज देना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया कि हम एक गूगल की पीपीसी कैंपेन में कैसे हम साइडलिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट साइडलिंक एक्सटेंशन। सो इस तरह से एक कैंपेन के लिए हम अट्रैक्टिव साइडलिंक एक्सटेंशन क्रिएट करते हुए अपने ऐड के लिए एक पुल फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं, एंड जिसका बेनिफिट आपको भी पता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट साइडलिंक एक्सटेंशन। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।